मैथ्स को बिल्कुल पढ़ाई की तरह सोचो ही नहीं। अगर हम हमें लगे ना कि हम लोग कोई स्टडीज में कुछ करने लगे हैं मैथ्स में, वही गड़बड़ है। ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसी चीज़ है, बिल्कुल गेम है ये। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है ना, वो इतने सिंपल, इतने बेसिक हैं कि हमें वो डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। को अभी एज अ स्टूडेंट, एक बच्चा ना सोचता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने कल को कोई बहुत डिफरेंट फील्ड में जाना है, किसी बच्चे ने कल को सिंगर बनना है, किसी ने कोई और बहुत डिफरेंट फील्ड चूज़ करनी है। तो अभी स्टेज पे हमें लगता है कि इनका पता नहीं हमारी लाइफ में कोई रोल है कि नहीं, पर ये अकेला एक्चुअली वो सब्जेक्ट है जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आना है। क्यों? ये सोचो कि ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अभी हम बिल्कुल अपने रेगुलर काम में क्लास में बैठे एक तरह से गेम खेलें। किस तरह की गेम? वो गेम जो कि एक्चुअली हमारा लॉजिक बिल्ड कर रही है। कल को आप लोग किसी भी फील्ड में जाओगे, वहाँ जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कुछ करने के लिए, वो होती है लॉजिक की। तो मैथ्स हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा लॉजिक बिल्ड हो। वो कैसे बिल्ड होगा? अभी जैसे हम कोई टॉपिक सुनेंगे, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे कि ये स्टोरी है, ऐसे सोचते हैं। उसके बाद दे वुड बी अ स्टेज जहाँ पे कि सोचोगे आप लोग अपने आप खुद। अब बिल्कुल जब क्लास में क्वेश्चंस करा करो ना, अभी जब क्लास में आया करो और क्लास में बैठ के क्वेश्चंस करा करो, बिल्कुल अपने सामने कॉपी पेन रख के पूरी तरह क्वेश्चन सॉल्व करा करो और सोचो कि बिल्कुल पजल सॉल्व कर रहे हो। तो जैसे पजल सॉल्व करने में हम लोग जोर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोचो। कुछ नहीं, बिल्कुल ना सोचो कि इसमें मार्क्स एसोसिएटेड हैं, स्कूल में नंबर कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे। वो अपने आप ही ज़्यादा आएंगे, फिर अपने आप ही नंबर अच्छे आएंगे, उनके बारे में सोचो भी ना। कुछ नहीं होता, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक काम कर चुके होंगे, बहुत अच्छे लेवल तक, और बिल्कुल भी कुछ स्पेशल करे बिना, क्योंकि इतना सिंपल काम है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही सिंपल स्टोरी है पूरी। तो बस अब आज वाली क्लास से हम लोग अब एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। और ये वो टॉपिक है जो कि हम लोग को लाइफ लॉन्ग काम आएगा। बस इसको बिल्कुल शुरू से ध्यान से समझना। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत आसान से नाम है। अब देखो ये कुछ नाम है जो हमने पहले सुने हुए हैं। क्या नाम? ये सब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बाकी सारे 2y प्लस वन, 3x माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन, ये सब एक्चुअली क्या है? ये सब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सब क्या है? कोई सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये नाम हमने करा हुआ है। ये सब क्या है? एक्चुअली कोई एल्जेब्रा की कोई टर्म्स बनाई गई। क्यों बनाई गई हमें कोई मतलब नहीं, पर ठीक है, हमने ये नाम सुना हुआ है, हमें नोन है कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनमें हमने एक कैटेगरी सुनी हुई है। क्या कैटेगरी? हमें अब एक नाम अलग से पता है, लीनियर एक्सप्रेशन। हमें ये नाम पता है, ये नाम है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन किस तरह के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो गए? जैसे ये एक्स वाई जेड, ये सारे कैसे हैं? वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई, इस वाली एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है? एक्स भी है और वाई भी है। इसमें अकेला वाई वेरिएबल है, इसमें अकेला एक्स वेरिएबल है, लास्ट वाली में अकेला एक्स वेरिएबल है। हमें क्लियर है कि लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर हो वो वन हो बस। जैसा कि इस केस में देखो, तो यहाँ पे 2 × y, y की पावर कितनी है? सिंपल वन, 2y+1 लिखा हुआ है। इस केस में 3x-2, इसमें भी जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है? वन। तो ये दोनों सिंपल लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। क्या ये वाली बनी लीनियर एक्सप्रेशन? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आ रही है? टू। हमें पावर क्या चाहिए? बस वन। इस तरह की सिंपल सी टर्म्स होंगी। ये कैसे की टर्म्स होती हैं? लीनियर एक्सप्रेशंस। ये लीनियर एक्सप्रेशंस हमारे सामने बनी हुई हैं। ये वाली नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x इंटू वाई भी हो रहा है, वाई स्क्वायर भी हो रहा है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। तो जो हमने ये पांच देखे उसमें हमें देखा केवल ये दो लीनियर एक्सप्रेशन हैं। तो अब इस नाम के रिकॉग्नाइज करने पे हमारा सिंपल सा चैप्टर शुरू होता है। वो चैप्टर एक्चुअली है लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले समझना कि इक्वेशंस का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सा काम है, वो हमें कोई इस तरह की एक्सप्रेशन देंगे, मान लो x माइनस थ्री बराबर है 2 के। क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन होगा सॉल्व फॉर x। मतलब अब जब सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होती है तो हमें कुछ करने को तो कहा नहीं गया होता उसमें, लेकिन अगर हमारे सामने कोई लीनियर इक्वेशन आए, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अब की बार ये एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम कोई वैल्यू हमें दिया गया है। जैसे क्लियर है कि यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल टू 2 दिया गया। इक्वेशन का पर्पस क्या होता है, जब हमें ऐसे की कोई इक्वेशन दी जाएगी ना, तो उसका पर्पस क्या होगा कि जो इसमें जो अननोन वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू बताओ, x का जवाब बताओ। तो कैसे बताएं x का जवाब, यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल टू 2 है। तो अब इस माइनस थ्री वाली टर्म को अगर हम लोग उस साइड लेके जाएंगे इक्वालिटी के, तो वो सिंपली हो जाएगी प्लस, ये बनी एक्सप्रेशन। वहां से x कितना आ गया 5, तो x माइनस थ्री बराबर था 2 के, वहां से x बराबर आ गया 2 प्लस 3 मतलब 5 के। ये इस इक्वेशन का आंसर है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है, क्या ये इक्वेशन है? नहीं है इक्वेशन। इक्वेशन होने के लिए वो इक्वल टू समथिंग होता, पर यहाँ पे इक्वल टू तो कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें। तो ये सिंपल एक एक्सप्रेशन है, अगर इसको इक्वल टू समथिंग अगर करा होता ना, तो वो एक कंप्लीट इक्वेशन बनती। ये नहीं है, ये है इक्वेशन x माइनस थ्री इक्वल टू 2। फ्रॉम दिस गिवन स्टेटमेंट वी कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो हमने निकाल दी। तो दिस वॉज अ लीनियर इक्वेशन, और उससे x का जो जवाब बना वो आया 5। इसको नोटिस करो कि इसमें करना क्या है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, अपने पूरे चैप्टर का बेसिस इस तरह की बात है। अब देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को हैंडल करने की हमें ऑलरेडी समझ होती है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी कैटेगरी है, बस एक बार इनको रिविजिट कर लेते हैं। x माइनस टू बराबर है 7 के, तो हमें क्लियरिटी है कि माइनस टू अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो प्लस टू बन जाएगा। x कितना आ गया 9। सिमिलरली y प्लस थ्री अगर बराबर था 10 के, मतलब y में 3 ऐड करे जाने पे 10 आता है, तो इसका मतलब y कैसा होगा 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करे जाने पे। या सिंपली अगर बोलो तो इस प्लस 3 को अगर इधर लेके आओगे तो वो माइनस 3 बन जाएगा। तो y कितना आ गया 7। बिल्कुल सिमिलरली मान लो कभी हमें दिया जाए कि 2x बाय 3 बराबर है 18 के, तो 2x अपॉन 3 अगर 18 है तो 2x जो होगा वो 18 इंटू 3 हो जाएगा। जो ये 3 डिनोमिनेटर में है ये उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये कितना आ गया 54, वहाँ से 2x आया 54, तो x आ गया 54 बाय 2 दैट इज 27। तो ये बेसिक ऑपरेशंस का ध्यान रखना ये काम है। अब ये बहुत सिंपल कैटेगरी है, अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में नया क्या हुआ कि अब की बार जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो दोनों तरफ हैं। देखो, यहाँ पे भी x वाली टर्म है, यहाँ पे भी x वाली टर्म है। तो अगर हमें कहा जाए कि फाइंड x, तो क्या करते हैं कि सारी जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं, किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं। सारी वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा कर लो, या सारी वेरिएबल वाली साइड टर्म्स को राइट हैंड साइड पे जमा कर लो, एक ही बात होती है। पर लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस है कि सारी वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा कर लेते हैं। तो वील एक्चुअली कलेक्ट ऑल द वेरिएबल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये करते हैं ज़रा। तो इस माइनस एक्स को हमें इधर लेके आना है तो वो हो जाता प्लस एक्स, और इस माइनस टू को हमें उधर लेके जाना है तो उधर जाके हो जाता प्लस टू। तो हमें मिल गया कि 4x बराबर है 12 के, वहाँ से x आ गया 12 बाय 4 दैट इज 3। देखो कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और देखो बस अभी। देखो, क्वेश्चंस इस टॉपिक के ना बहुत सिंपल होते हैं, पर हमसे बड़ी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो जब हम लोग अभी काम करेंगे ना, तो क्लियरली वील एक्चुअली सी दो सिली मिस्टेक्स, हम लोग देखेंगे
उनको मार्क करेंगे और बिल्कुल पक्का करेंगे कि हम लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना। अब जैसे ये टर्म है x माइनस वन बाई टू, अब की बार बराबर था 2x प्लस 3 के, तो अब हम लोग इसमें x को निकालना चाहते हैं। तो x को निकालने में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये यहाँ पे इसके नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना एक काम करें कि पहले इस टर्म को सिंपल कर लें। कैसे कर लें सिंपल? x माइनस वन बराबर हो गया 2 को इधर मल्टीप्लाई करा, हो गया 2 इंटू 2x प्लस 3, ये बनी। देखो 2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी टर्म से, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। कई बार कई बच्चे ना जल्दी में क्या करते हैं कि वो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं, तो ये बड़ी मिस्टेक है। अब देखो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, याद रखना ये पॉइंट। तो ये क्या दे गया हमें, x माइनस वन बराबर आ गया 2 इंटू 2x, 4x प्लस 2 इंटू 3, 6। ये बननी चाहिए थी एक्सप्रेशन। गलती से किसी ने अगर 4x प्लस 3 सोची तो वो गलत है, ये क्या बनना चाहिए था, 4x प्लस 6। अब जैसे ही हमने ये बना लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया सॉल्व? अब सारी x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, x माइनस 4x इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3x बराबर हो गया 7 के, वहां से x बराबर आ गया माइनस 7/3। ये हमारा आंसर है। और देखो कितना सिंपल पैटर्न है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं? इस तरह की, 2 डिवाइड यहां पे हो रहा है तो इधर 2 जा सकता है, जा सकता है, पर 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इधर की हर टर्म से करेगा, तो देखो हमने करा। अब इसी बात पे अगला क्वेश्चन अब जरा खुद करके दिखाओ। अब देखो ये थी एक्सप्रेशन, तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए था, हमें क्लियर था कि पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करो। कैसे करो? 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने वो करा, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब हमने सारी x वाली टर्म्स को एक साथ करा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 और ये उधर जाके प्लस 25। बिल्कुल ये एक्सप्रेशन बननी चाहिए थी। 2x आ गया 16, जहाँ से कि x आ गया 16/2, दैट इज 8। बिल्कुल हमें ये टर्म बनानी चाहिए थी, तो जो एक्सप्रेशन बनती कंप्लीटली वो ऐसे बनती। अब बिल्कुल सेम तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो ये बिल्कुल सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, पर ये आएंगे कब? जब खुद करोगे, तो इनको रिटर्न में करोगे साथ साथ, अगर कोई गलती करी होगी तो उसको हम लोग साथ साथ वेरीफाई करेंगे। अब देखना कैसे, x बराबर था 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 के, हमें पहला काम क्या करना चाहिए था कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहिए था। कैसे करा? 5 को हमने इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमारा अब टारगेट क्या होता है, सारी x वाली टर्म्स को, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आना, सारे कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ लेके जाना, क्यों? तभी हम x निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो अब हमने सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करा, 4x को इधर ले आए, 5x माइनस 4x आ गया 40, वहाँ से x आ गया 40। अब ना कई बार हमें एग्ज़ाम में वो मेंशन करेंगे कि चेक योर रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने आंसर निकाला ना, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में वापस डाल के दिखा दो कि दोनों साइड्स जो आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं। जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 40, x तो 40 था, राइट हैंड साइड क्या बना, 4/5 इंटू 40 प्लस 10 विच इज़ 4/5 इंटू 50 विच इज़ एक्चुअली वॉट, क्लियर, डायरेक्टली दिस वुड बी 40 अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, वही पर्पस था, बस जस्ट वी हैड टू शो कि जो हमने आंसर निकाला वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस कभी अगर एग्जाम में ऐसे चेक योर रिजल्ट्स बोला जाए ना, तो अपने आंसर को बिल्कुल शुरू वाली इक्वेशन में वापस पुट करके दिखा दिया करो कि देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल ये कर देना। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये थी नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब इसमें क्या करें,
तो अब यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि इस पूरी एक्स वाली टर्म को इस साइड ले आएं, इस वन को उस तरफ ले जाएं। अच्छा, एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस में जो मेजर स्किल हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, वो ये बस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है। जो मेजर स्किल है वो डायरेक्टली लिखा नहीं होता। वो मेजर स्किल एक्चुअली क्या है कि हम लोग की कैलकुलेशंस कंप्लीट भी हों और फास्ट भी कंप्लीट हों। तो इसमें ना ग्रेजुअली ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे हम लोगों ने पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का करा, कैसे इस टर्म का एलसीएम ले लिया, तो ये 1/1 है, इसका एलसीएम 3 आ गया, ये हो गया 2x+3/3, इसका एलसीएम 15 आ गया, ये आ गया 7x+45/15। अब क्या करें? अब एक रूट तो ये बनता कि सिंपली 15 को इधर मल्टीप्लाई करें और 3 को इधर मल्टीप्लाई करें। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा करके बिल्कुल सही होता। पर एक बात सोचो, क्या हमें दिखता है कि अगर इस 3 को इधर ले जाओ, अगर बस इस 3 को इधर ले जाओ, क्यों लेके जाओ? अब ये बात क्यों सोचो, तो ऐसा करने पे जो राइट हैंड साइड बनता वो ये बन जाता, जो राइट हैंड साइड होता बस 3 को उधर लेके जाओ, तो क्या हमें दिखता है कि ये 3 1s और ये 3 5s ये कैंसिल हो गए। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी नीट हो गई। हमें नहीं तो पूरा 15 मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 को मल्टीप्लाई करते हमारी टर्म्स बड़ी बड़ी बनती। तो ये क्वेश्चन तो फिर भी अभी सिंपल है, जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो कई बार हमारे क्वेश्चंस इस रीज़न से नहीं हो पाते क्योंकि हम इतनी छोटी सी बात का ध्यान नहीं रखते। जब हम लोग इस 3 को इधर लेके गए तो हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। जस्ट सोचो, 3 को इधर लेके गए तो फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया 2x+3 = 7x+45/5। अब क्या करें? सिंपली इस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 तो कैंसिल हो चुका है, तो 5 × 2x+3 बराबर आ गया 7x+45 के। वहां से हमें क्या मिला, 10x+15 = 7x+45। अब x वाली टर्म्स एक साथ, तो 10x-7x 3x = 45-15, दैट इज 30। वहां से x आ गया 10, x आ गया 10। इसी क्वेश्चन में सोचो कि बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह अगर हमें कहा गया होता कि वेरीफाई योर सॉल्यूशन, तो अब इसको क्या करते, इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करके दिखाते। हमने 10 को पुट कराया, वो आ गया 2 × 10/3+1। ये क्या बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये कितना आ गया 20/3+1, जिसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 23/3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना। अब अगर राइट हैंड साइड को बनाएं तो वहां था 7 × 10/15+3, ये बनी एक्सप्रेशन। अब मन करे तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लें पहले, बाद में एलसीएम लें, नहीं तो डायरेक्टली एलसीएम ले लें। ये आ जाता 70, या अगर यहां पे इसको डायरेक्टली कैंसिल करें तो ये 5 2s और ये 5 3s, तो ये क्या बन गया 14/3+3, विच इज एक्चुअली वॉट 14+9/3, विच इज अगेन 23/3। तो वहां एग्जाम में हमें एग्जैक्टली अगर कहा जाए कि अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करो, तो पूरी तरह उसको वेरीफाई करके दिखाना। क्या करना, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कराया, उसी एक्स की वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड में भी पुट कराया, और दोनों साइड्स का जवाब हमने दिखा दिया कि देखो सेम आ रहा है। पर ये कब करोगे? जब हमें कहा जाए कि वेरीफाई द सॉल्यूशन, चेक द सॉल्यूशन। तो अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता तो ऐसे पूरा हम वेरीफाई करके दिखाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी। क्या इंटरेस्टिंग बात सुनी? कि अगर कैलकुलेशंस थोड़े से स्मार्ट वर्क से अगर सिंपल होती हों तो करा करो। बिल्कुल ही हम लोगों ने सबसे लॉन्गेस्ट रूट पे नहीं चलना, वो सबसे खराब बात होती है। क्वेश्चन में अगर हम लोग वहां पे थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगा के टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हो, करा करो, एक्सपेरिमेंट करा करो क्वेश्चंस में। अगर लगे कि कुछ नया हो रहा है, ऐसे कर लें तो मेरा क्वेश्चन तेज हो जाएगा, तो करा करो, पर रीजन होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो, ये थी एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन हमने करा वो ये था। तो इसमें क्या करते,
पहला काम तो इसमें ये करते कि सारी y वाली टर्म्स को एक साथ कर देते, क्यों? हमारा बिल्कुल बेसिक रूल है कि सारी y वाली टर्म्स को एक साथ कर दो। तो देखो यहाँ पे अब की बार वन पॉसिबिलिटी कुड हैव बिन दिस कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें, और वन पॉसिबिलिटी कुड हैव बिन दिस कि सारी y वाली टर्म्स को डायरेक्टली एक साथ कर लें, हमारी मर्जी। तो अगर इसमें इस माइनस वाई को सिंपली इधर ले जाएं तो वो सिंपली हो जाता प्लस वाई, ये बन गया 2y प्लस वाई, और इधर आ गया 26/3 -5/3। देखो अब की बार क्यों करा ऐसे, क्योंकि हमें एक बात दिखी कि इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो अगर इनको एक साथ कर देंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए अब की बार हमने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, हमारी कैलकुलेशंस बच गई। अगर किसी ने एलसीएम लिया भी हो तो भी बिल्कुल सही है। यहाँ से हमें 3y मिल गया बराबर 26 माइनस 5 21/3, ये कितना आ गया 7। वहाँ से 3y अगर 7 आ गया तो y आ गया 7/3। अब हमें कहा गया था कि चेक योर रिजल्ट, तो हमने y की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कराया 2 × 7/3 +5/3, और राइट हैंड साइड में भी पुट कराया, वो आ गया 14/3 +5/3। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी 19/3, राइट हैंड साइड क्या बनी 26/3 -7/3 विच इज अगेन 19/3। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर हमें बिल्कुल ऐसे बोलने की समझ चाहिए, इनको गलत नहीं करना होता। गलती कैसे की होती है, कई बच्चे ना मतलब जैसे कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, एलसीएम लेने में गड़बड़ कर दी, जो हमने अभी पीछे वाले लास्ट क्वेश्चन में बात सुनी थी कि कैलकुलेशंस को आसान बना लिया करो, तो वो नहीं बनाया, तो वही बातें ना बड़ी हर्टिंग हो जाती हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं उसमें ये बात दिखेगी। अब देखो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन था सॉल्व फॉर एम। तो अब क्या करते इस क्वेश्चन में, अब देखो नया पॉइंट क्या था कि जब हम लोग शुरू में एलसीएम लेते हम लोग दोनों साइड्स को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करने की करते, तो हमने दोनों तरफ का सिंपली एलसीएम लिया। इस तरफ का एलसीएम आया 2, ये आ गया 2m -m-1। देखो m-1 ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, हमें क्लैरिटी है कि अब की बार जो ये m-1 है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे पूरा इस डिवीजन के साथ बस ये m-1 इन्वॉल्व है। तो अब की बार ये मेजर पॉइंट था, यहाँ पे मेजर मिस्टेक होती है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बनता स्टेप। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके ये 2m-m-1 लिख देते हैं /2, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना, ये वो मिस्टेक है जो बहुत कॉमन होनी है, ये बिल्कुल नहीं करोगे, याद रखना ये बात। m-1 देखो पूरे के साथ 2 के साथ डिवाइडेड था, तो वो m-1 वहाँ पे ब्रैकेट नहीं बना हुआ लेकिन एक्चुअली ब्रैकेट है, याद रखना। तो अब जब हमने एलसीएम लिया तो वो टर्म ये बन गई। सिमिलरली यहाँ पे जो m-2 था इसके नीचे 3 डिवाइड हो रहा था, तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये m-2 के साथ ये ब्रैकेट लगा नहीं हुआ लेकिन है। जैसे इसका एलसीएम लोगे टर्म ये बनेगी, जिससे गलती होती इस क्वेश्चन में वो इसको 3 m-m-2 बना लेता है एलसीएम लेके। ये बिल्कुल मेजर मिस्टेक है, हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, याद रखना ये बात, बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या करेंगे 3 m-m-2 देखो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये फॉर्मेट पकड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी गड़बड़ इस क्वेश्चन में यहीं पे होती, कहाँ पे होती, कैलकुलेशन में, इस टॉपिक में कोई ट्रिक नहीं है। और अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा, 2m-m-1 × -1, ये क्या बनता +1, तो हमें क्या मिलता 2m-m विच इज m-(-+) मतलब +1, तो m+1/2 बराबर आता 3 m-m-, क्लियर है, +2, 3 + 2 5 m, ये बनती हमारी बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्रेशन। अब क्लियर, अभी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 को और 2 को, ये आ गया 3m+3, और इस तरह बन गया 2 × 5 m विच इज़ वॉट, क्लियर है, 10 - 2m, बिल्कुल ये बनना चाहिए था। अब सारी m वाली टर्म्स एक साथ करी, 3m+2m विच इज़ 5m, वो बराबर आ गया 10 - 3 विच इज़ 7 के, वहाँ से m आ गया 7/5, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट फाइनल आंसर बनता, बिल्कुल ये बनना चाहिए था। अब देखो बनाया कैसे,
इस क्वेश्चन से हमने नया क्या सीखा, हमने क्या बात ऑब्जर्व करी कि हम लोग जब यहाँ पे इस तरह की एक्सप्रेशंस आती हैं तो ध्यान में रखेंगे कि अब की बार यहाँ पे ब्रैकेट बना नहीं होता पर ब्रैकेट एग्जिस्ट करता है, इनविजिबल ब्रैकेट है। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे और इस टर्म को एक्चुअली सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो ब्रैकेट बना के करेंगे। याद रखना ये पहली बार हमने ये पॉइंट देखा, अब ये बहुत बार आता रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर हमने अभी ऑब्जर्व करा इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखना बिल्कुल। देखो अगर जैसे अगर अभी हम लोग क्लास में पॉइंट्स देख रहे हैं ना, अगर बिल्कुल सिस्टमैटिकली बस ऐसे सुनते रहे और साथ में अटेम्प्ट करते रहे तो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन मैथ्स का पेपर वो पेपर है जिससे जिसमें एग्ज़ाम से पहले वाले दिन एक्चुअली आप लोग फ्री होगे, बिल्कुल फ्री होगे, हमारी प्रिपरेशन बहुत पहले हो चुकी होगी और हमें कुछ टच भी नहीं करना पड़ेगा उस जोन में, अल्टीमेटली वील एक्चुअली मूव अपॉन। तो उसके लिए करना क्या होगा, बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें सुन रहे हो और वील एक्चुअली क्लियरली नोटिस द मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे वो मिस्टेक्स, क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, इस वाली जो अभी जो हमने क्लास में काम करा इसको दोबारा देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ, तो हमारा बिल्कुल पैटर्न बन जाता है, हमारा पैटर्न बन जाता है। फिर हमें दिखता है कि इसमें कोई काम ही नहीं, कोई बच्चा ये मिस्टेक कैसे कर सकता है, तो उस तरह की मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। पर जो जो बातें बताई जाए ना उनको एक्चुअली ध्यान में रखना कि क्या नया सीखा, ये पॉइंट देखा मैंने, ये मिस्टेक आगे से नहीं करनी, बिल्कुल अपने आप से ऐसे बोला करो, फिर हमें वो पॉइंट पक्का आ जाता है कि हाँ ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, हमने नहीं करनी। अगर हुई आज पहली बार कोई जो पॉइंट हमने सुना वो गलती अगर हुई तो कुछ नहीं होता, मिस्टेक्स जो हैं मैथ्स में वो हमारी इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, कुछ नहीं होता गलती करी, नेक्स्ट क्लास में अब ये मिस्टेक हमने देख ली, अब नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, कुछ नया सुनेंगे, वहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करी तो उसको भी याद रखेंगे बिल्कुल साथ साथ। तो चलो बस जो अभी काम करा इसको रिवाइज़ करो।